24 जनवरी को इंदौर में होने वाले भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच से पहले टीम इंडिया के क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर उज्जैन पहुंचे। तीनों क्रिकेटरों ने आम जनता की तरह पूजा अर्चना की और भस्म आरती में शामिल हुए। पूजा के बाद सूर्यकुमार यादव ने बताया कि यहां आकर हमने महाकाल की भस्म आरती देखी, इससे हमारा मन शांत हुआ है। हमने ऋषभ पंत के जल्दी ठीक होने की कामना महाकाल के दरबार में की है। महाकाल की महिमा दुनिया के कोने कोने तक फैली हुई है। उज्जैन के राजा के दरबार में करोड़ों भक्त अपने दुखों से छुटकारा पाने आते हैं। इस महिमा के चलते टीम इंडिया के क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर 24 जनवरी को होने वाले वनडे मैच से पहले उज्जैन पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और भस्म आरती में शामिल हुए। क्रिकेटर्स लोगों के बीच आम जनता की तरह खड़े थे, जिस वजह से लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। क्रिकेटर्स ने गर्भगृह में जाकर धोती सोला पहनकर महाकाल का पंचामृत अभिषेक किया। महाकाल दर्शन और पूजा अर्चना खत्म होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उज्जैन आकर हमने भस्म आरती देखी, जिससे हमारा मन शांत हुआ। हमने यह पूजा ऋषभ पंत की रिकवरी के लिए की है। हम कामना करते हैं कि पंत जल्दी ही ठीक हो और हमारे बीच खेलने आए। बहुत बहुत अच्छा लगा बैठ के, बहुत अच्छी आरती हुई, शुरू से अंत तक देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा, एकदम मन शांत हो गया और बहुत विश भी किया और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अपने भाई के लिए दुआ भी मांगी जो अभी रिकवर हो रहे हैं ऋषभ के लिए, और वही इम्पोर्टेंट है फिलहाल, तो वो जब भी जितना जल्दी वापस आ जाए उतना अच्छा है हमारे लिए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।